यशवंत सागर तालाब सिर्फ 10 इंच ही खाली रह गया है। अब अगर तेज बारिश होती है तो तालाब ओवरफ्लो होने लगेगा और गेट भी खोले जा सकते हैं। कल हुई बरसात से तालाब में एक दिन में 1.5 फीट तक पानी बढ़ गया है और बाकी के तालाबों में थोड़ा बहुत जल स्तर बढ़ चुका है। शहर को हर वर्ष 36 इंच बारिश की जरूरत रही है। इसी वर्ष अभी तक आधी यानी कि 19.5 इंच तक बारिश हो गई है। आधी बरसात में जहां बड़ा बिलावली तालाब अपनी क्षमता 34 फीट से अभी आधा भर गया है, वहीं यशवंत सागर तालाब भी अपनी क्षमता 19 फीट से सिर्फ 10 इंच तक ही खाली है। इसमें 18 फीट 2 इंच तक पानी भर गया है। अगर लगातार तेज बारिश हुई तो तालाब लबालब होकर ओवरफ्लो होने लगेगा, साथ ही गेट भी खोलना पड़ सकते हैं। कल हुई बारिश से जहां यशवंत सागर तालाब में 1.5 फीट तक पानी बढ़ गया है और बाकी तालाबों का भी जल स्तर बढ़ा है। निगम से जारी हुए तालाब के आंकड़ों को देखें तो बड़े सिरपुर की क्षमता 16 फीट है और भराया ये 8 फीट 2 इंच है। छोटा सिरपुर की क्षमता 13 फीट है और ये 9 फीट 9 इंच भरा चुका है। पिपलिया पाला की क्षमता 22 फीट है और ये 5 फीट भर चुका है, तो वहीं लिम्बोदी की क्षमता 16 फीट है और ये 3 फीट 6 इंच भरा चुका है। छोटा बिलावली तालाब पूरी तरीके से खाली है, जो कि बड़ा बिलावली तालाब के भरने के बाद ही भराएगा। अब आधी बरसात में बड़े बिलावली तालाब के आधी भराने पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जब तक तालाब नहीं भरेगा तो आगे छोटा बिलावली और पिपलिया पाला तालाब कैसे बनाएंगे? अगर नहर भंडारा में पानी कम हो जाता है तो निगम ने खुदाई तो कर दी, लेकिन तालाब कैसे भरेगा इस पर काम नहीं किया। अभी जो वर्तमान में पानी की स्थिति हमें दिख रही है कि काफी अच्छा पानी गिर रहा हैगा और हमारा जो यशवंत सागर तालाब हैगा वो लगभग 17 फीट 6 इंच हो चुका हैगा। हमारा बिलावली तालाब भी 15 फीट 5 इंच हो चुका हैगा। इस प्रकार से ऐसा लगता हैगा कि जो बारिश गिर रही है उस हिसाब से लगता है कि सावन महीने तक हमारे सारे तालाब पूरे भर जाएंगे। और अच्छी बारिश भी हो रही है तो रुक रुक के हो रही है, तो उसके कारण जमीन के अंदर भी ये पानी जा रहा है, एक बड़ा रिचार्जिंग का काम भी कर रहा है। इसलिए बारिश बहुत अच्छी हो रही है और तालाबों की स्थिति भी काफ़ी आशाजनक हैगी कि हमको गर्मी में पानी की किल्लत का सामना करना नहीं पड़ेगा।